बिस्मिल्लाह रहमान रहीम, अस्सलाम वालेकुम। उम्मीद है आप लोग खैरियत से होंगे। बच्चों, लेक्चर सीरीज़ का हम लेक्चर नंबर 82 रिकॉर्ड करने जा रहे हैं। मैथमेटिक्स 10 और यूनिट 3 है, और जिस एक्सरसाइज पे हम बात कर रहे हैं दैट इज़ 3.3। इस लेक्चर में हम क्वेश्चन 2 के 6 पार्ट डिस्कस करेंगे। मैंने फर्स्ट 4 पार्ट लिख दिए हैं, बाकी दोनों मैं आपको रब करके फिर करवाता हूँ। और बच्चों, अपनी वीडियो क्वालिटी कहाँ रखनी है, कम अज़ कम 480 पर या फिर किस पर, 720 पर। 360 पे काम चल सकता है अगर आपकी नेट स्पीड स्लो है, तो फिर उस सूरत में आप ब्राइटनेस थोड़ी ज़्यादा कर दीजिएगा। वो आपसे कह रहा है कि फाइंड फोर्थ प्रोपोर्शनल। अगर आपने लेक्चर 81 लिया है तो आपको आइडिया होगा कि प्रोपोर्शनल हम किसको कहते हैं। फोर्थ प्रोपोर्शनल जब भी कहेगा तो एक्चुअली वो 3 टर्म्स देगा। फोर्थ वाली आपने सपोज करनी, कितनी टर्म्स देगा, 3। देखें ज़रा, हर क्वेश्चन में उसने 3 टर्म्स दी हैं। 5, 8, 15 3 टर्म्स हैं। ये 4x4, 2x3 और 15x2, 1, 2, 3 उसमें भी 3 हैं और उसमें भी 3 हैं। तो हर क्वेश्चन में उसने कितनी टर्म्स दी हैं, 3 टर्म्स दी हैं। फोर्थ प्रोपोर्शनल जो है हमने फाइंड आउट करना, तो हमने लिखा लेट द फोर्थ प्रोपोर्शनल। इसको आपने, अगर क्वेश्चन एबीसी में है तो एक्सपोज कर लें, अगर क्वेश्चन एक्स वाई में है तो फिर आप ए सपोज कर लें। यहां चूंकि नंबर्स में है तो हमने सपोज कर लिया एक्स। इसको आपने फोर्थ पोजीशन पर रखना है। कहां रखना है, फोर्थ पोजीशन पर। हमारे पास आएगा 5:8 प्रोपोर्शन 15:x। 1, 2, 3 ये गिवन थी। ये जो आपने फाइंड आउट करनी है, ये आपकी किस पोजीशन पर आएगी, फोर्थ पोजीशन पर। तो हमें पता है प्रोडक्ट ऑफ एक्सट्रीम इज इक्वल टू प्रोडक्ट ऑफ मीन के, ठीक हो गया। अब हमने चूंकि एक्स फाइंड आउट करना, तो एक्सट्रीम मैंने पहले लिख ली। अगर एक्स अगर मिड में होता तो मीन पहले लिख लेते, तो उससे कोई फर्क नहीं पड़ता। आप बेशक एक्सट्रीम पहले लिखें या मीन पहले लिखें, कोई फर्क नहीं पड़ता। हम लिखेंगे 5 × x इज इक्वल टू 8 × 15। हमें तो एक्स चाहिए, तो 5 इधर क्या हो रहा है, मल्टीप्लाई उधर जाकर क्या होगा, डिवाइड। तो एक्स इज इक्वल टू 8 × 15 डिवाइडेड बाई 5। 5 × 1 = 5, 5 × 3 = 15, 8 × 3 = कितना होगा, 24। x इज इक्वल टू 24। x किसके इक्वल है, 24 के। 4x4, 2x3, 15x5। आपने करना क्या है, जो फाइंड आउट करना है उसको आपने सपोज करना है, और चूंकि क्वेश्चन x में है तो हमने उसको सपोज कर लिया a। लेट फोर्थ प्रोपोर्शनल, फोर्थ प्रोपोर्शनल को आपने सपोज किया ए। ए हमने फाइंड आउट करना है, थोड़ा सा प्रोमिनेंट रहता है। तो हमने लिखा 4x4 = 2x³ प्रोपोर्शन 18x5 = a। प्रोडक्ट ऑफ एक्सट्रीम इज इक्वल टू प्रोडक्ट ऑफ मीन। प्रोडक्ट ऑफ एक्सट्रीम इज इक्वल टू प्रोडक्ट ऑफ मीन। ओके, हमने इनका प्रोडक्ट ले लिया, हमारे पास रहा 4x4 × 8 × 2x³ × 18x5। ये जो है इधर मल्टीप्लाई हो रहा है, उधर जाकर क्या हो जाएगा, डिवाइड। एक्चुअली हमने ए फाइंड आउट करना है, देखें जरा, ये हमने ए सपोज किया, ए हम फाइंड आउट करेंगे, तो ये इधर मल्टीप्लाई हो रहा है, उधर जाकर क्या हो जाएगा, डिवाइड। तुम्हारे पास आएगा ए इज इक्वल टू 2x³ × 18x5 ओके डिवाइडेड बाय 4x⁴। कहीं कैंसिल होता है यकीनन, 2 × 1 = 2, 2 × 2 = 4, 2 × 1 = 2, 2 × 9 = 18। नीचे ये जो 4 था ये तो पूरा का पूरा कैंसिल हो गया। ये 4 है, ये 4 पूरी कैंसिल हुई, 3 यहाँ से कैंसिल हुई, 1 यहाँ से कैंसिल हुई, तो ये 4 रह गए। टोटल 5 थी ना, तो 1 यहाँ से रह गए, तुम्हारे पास क्या रह गया, 9। ये पूरे का पूरा कैंसिल हो चुका है, ये पूरे का पूरा कैंसिल हो चुका है, या ना 9 रह गया, तो ये क्या बन गया,
नाइन एक्स रेज टू पावर फोर, तो जो फोर्थ प्रोपोर्शनल है दैट इज नाइन एक्स रेज टू पावर फोर, ये आपका आंसर है। उसमें हमने किया क्या, लेट द फोर्थ प्रोपोर्शनल, हमने लिखा फोर्थ प्रोपोर्शनल जो है दैट इज इक्वल टू, हमने ए बी में क्वेश्चन आया तो इसको हमने एक्स रख लिया ताकि प्रोमिनेंट रहे, ठीक। हमारे पास आएगा 15a6b6 रेशो 10a² b5 प्रोपोर्शन 21a³b³ रेशो एक्स, ये 21a³b³ है वही लिखा मैंने। अब ऐसा है कि आपने एक्स फाइंड आउट करना है, प्रोडक्ट ऑफ एक्सट्रीम इज इक्वल टू प्रोडक्ट ऑफ मीन, प्रोडक्ट ऑफ एक्सट्रीम किसके इक्वल है, प्रोडक्ट ऑफ मीन के, तो हम लिखेंगे 15a6 b6 और साथ लिखेंगे a इज इक्वल टू 10a² b5 21a³b³। अब चूंकि हमने a फाइंड आउट करना है तो ये इधर एक्स्ट्रा है, इधर मल्टीप्लायर, उधर जाकर क्या हो जाएगा डिवाइड, तो लिखें जी a इज इक्वल टू 10a² b5 यस मल्टीप्लाइड बाय 21a³b³ डिवाइडेड बाय 15a6b6। जी कैंसिलेशन होती है यकीनन, 5 2s are 10 2 3s are 3 1s are 3 7s are, ठीक हो गया। अब a 6 है, हमारे पास यहाँ a² a³ है तो ये टोटल कितना बनेगा a 5, ये a² और ये a³, टोटल a 5 बनता है, ये 5 6 थे, एक 5 कैंसिल हो गया तो 1 रह गया। सिमिलरली ये b5 और b3 तो 3 और 5 कितने होते हैं 8, ये कैंसिल हो गया, ये भी कैंसिल हुआ, 8 में से 6 गया तो 2 रह गया, तुम्हारे पास रह क्या गया 7 2s are 14, बाकी सारे कैंसिल हुए, तुम्हारे पास क्या रह गया b² / a, तुम्हारे पास जो आंसर है दैट इज मैं थोड़ा सा आगे करके लिख देता हूँ, a इज इक्वल टू हमारे पास रहा 2b² / a, नीचे एक a रह गया था, ठीक। इसमें भी ऐसा ही, यहाँ एक मिड टर्म ब्रेक होनी है, ध्यान से देखें जरा, लेट फोर्थ प्रोपोर्शनल, फोर्थ आपका जो प्रोपोर्शनल होगा दैट इज इक्वल टू एक्स में क्वेश्चन है तो उसको ए रख लेते हैं, ठीक। हम वैसे ही लिखेंगे l² - 11x + 24 रेशो x - 3 प्रोपोर्शन 5x² - 40x³ रेशो ए आपने फाइंड आउट करना है इसमें। अब हमें पता है प्रोडक्ट ऑफ एक्सट्रीम इज इक्वल टू प्रोडक्ट ऑफ मीन, रेड से कर देता हूँ शायद थोड़ा ज़्यादा नजर आए बोर्ड पे, प्रोडक्ट ऑफ एक्सट्रीम इज इक्वल टू प्रोडक्ट ऑफ मीन। अब ऐसा है कि ए और वो ए, इसको मैं लिखूंगा और साथ इसको जिसको मैंने टिक किया, यहाँ से इसकी मिड टर्म ब्रेकिंग होती है, 24 के ऐसे दो फैक्टर के क्या बने 11 बने, तो 8 3s are कितना होता है 24, तो मैंने साथ मिड टर्म ब्रेकिंग भी कर दी, x² - 8x - 3x + 24 साथ क्या लिखूंगा a जिसको आपने फाइंड आउट करना है, और इन दोनों का प्रोडक्ट इसका x - 3 ये लिखा मैंने, इसमें से कुछ कॉमन आएगा, क्या कॉमन आएगा 5 8s are तो 5x³ कॉमन आएगा, वो भी लिख दूं
5x क्यूब कॉमन आएगा तुम्हारे पास रहेगा x माइनस 8। ओके, अब इन दोनों, इन पहले दोनों से और आखिरी दोनों से क्या कॉमन लिया जा सकता है? मिड टर्म ब्रेक की तो जाहिर है, जैसे आपने फर्स्ट ईयर कह रहा हूँ, नाइन्थ में पढ़ा हुआ है, तो यहाँ से आपने कॉमन लिया, हमारे पास कॉमन आएगा x माइनस 8 और कॉमन आएगा माइनस 3 एक्स माइनस 8, और इसको आप ब्रैकेट करते हैं ऐसे, चले ए आपने फाइंड आउट करना है, वो मैंने एज इट इज लिखा, एक्स माइनस 3 लिखा, एक्स माइनस 8 लिखा और साथ लिख दिया 5x क्यूब। वो जो 5x क्यूब था वो मैंने एंड पर लिखा, आप लिख सकते हैं ऐसे 5x क्यूब, ब्रैकेट भी कर दिया उसको। ओके, अब इसको मैं लिख सकता हूँ x माइनस 8 वन टाइम, x माइनस 3 साथ a इंटू एक्स माइनस 3 एक्स माइनस 8 और 5x क्यूब। अब देखें ज़रा, ये जो जाहिर है इधर मल्टीप्लाई और उधर जाकर क्या हो जाएगा, डिवाइड, तो ये उधर जाकर डिवाइड होगा, कैंसिल होगा, x माइनस 8 एक्स माइनस 8 से ऑब्वियसली कैंसिल होगा, x माइनस 3 किस से कैंसिल होगा, x माइनस 3 से आप चाहें तो डायरेक्ट वैसे कैंसिल कर सकते हैं, और a किसके इक्वल आएगा 5x क्यूब, तो जो आंसर आएगा दैट वुड बी a इज इक्वल टू 5x क्यूब। ये जो आपने फोर्थ प्रोपोर्शनल फाइंड आउट करना था दैट वाज 5x क्यूब। ये पहले फोर पार्ट मैंने आपको कर दिए हैं, मैं वीडियो पॉज करके आपको अगले दो पार्ट कराता हूँ। जी बच्चों, सेकंड क्वेश्चन का पार्ट 5 और 6 मैंने दोनों लिख दिए हैं, ये इस लेक्चर का आखिरी दोनों पार्ट हैं। वो आपसे कह रहा है कि फोर्थ प्रोपोर्शनल फाइंड आउट करना है, तो उसको हमने सपोज कर लिया, लेट द फोर्थ प्रोपोर्शनल इज इक्वल टू x, वो आपने x सपोज कर लिया। ओके, जाहिर है इसको हमने किस पोजीशन पर रखना है, जैसा कि हमने पहले फोर पार्ट्स में डिस्कस किया, इसको हम फोर्थ पोजीशन पर रखेंगे, पी क्यूब माइनस क्यू क्यूब रेशो पी स्क्वेयर माइनस क्यू स्क्वेयर प्रोपोर्शन, पी स्क्वेयर माइनस पी क्यूब प्लस क्यू स्क्वेयर रेशो एक्स। ओके, प्रोडक्ट ऑफ एक्सट्रीम इज इक्वल टू प्रोडक्ट ऑफ मीन। एक्सट्रीम में एक्स है तो ये हमने फाइंड आउट करना, ये हमने पहले लिख ली, कोई फर्क नहीं पड़ता अगर आप ये वाले इधर और ये वाले इधर लिख लें, एक ही बात है। अब हमने लिखा पी क्यूब माइनस क्यू क्यूब इंटू एक्स इज इक्वल टू पी स्क्वेयर माइनस क्यू स्क्वेयर और पी स्क्वेयर माइनस पी क्यू प्लस क्यू स्क्वेयर। अब जहाँ जहाँ फार्मूला ओपन अप्लाई होते हैं ना, वहाँ फार्मूला अप्लाई करें और उनको ऊपर करें। पी क्यूब माइनस क्यू क्यूब को हम लिख सकते हैं पी माइनस क्यूब, ये बिल्कुल ऐसे ही जैसे ए क्यूब माइनस बी क्यूब को हम लिखते हैं ए माइनस बी ए स्क्वेयर प्लस ए बी प्लस बी स्क्वेयर, तो ये सेम वही बात है, पी स्क्वेयर प्लस पी क्यूब प्लस क्यू स्क्वेयर इन टू एक्स। ये मैंने एज इट इज लिखा, इस पर फार्मूला अप्लाई करके ये लिखा एक्स एज इट इज इक्वल टू, अभी सिर्फ ये साइड लेफ्ट हैंड साइड सॉल्व हुई है, पी स्क्वेयर माइनस क्यू स्क्वेयर को आप लिख सकते हैं पी माइनस क्यू और पी प्लस क्यू, और साथ आपके आएगा पी स्क्वेयर माइनस पी क्यू प्लस क्यू स्क्वेयर। ओके, अब जाहिर है हमने एक्स फाइंड आउट करना है, ये दोनों इधर क्या हो रहे हैं मल्टीप्लाई, उधर जाकर क्या हो जाएंगे डिवाइड, तो करें जी एक्स इज इक्वल टू पी माइनस क्यू पी प्लस क्यू इंटू पी स्क्वेयर माइनस पी क्यू प्लस क्यू स्क्वेयर डिवाइडेड बाय पी माइनस क्यू लिखा मैंने और साथ लिखा पी स्क्वेयर प्लस पी क्यू प्लस क्यू स्क्वेयर, कुछ कैंसिल हो जाएंगे, ये पी माइनस क्यू से क्या हो जाएगा कैंसिल,
और यहाँ पर एक फार्मूला अप्लाई होगा पी प्लस क्यू और पी स्क्वेयर माइनस पी क्यू प्लस क्यू क्यूब, तो ये बनेगा पी क्यू प्लस क्यू क्यूब एक्स इज इक्वल टू पी क्यूब प्लस क्यू क्यूब डिवाइडेड बाय पी स्क्वेयर प्लस पी क्यू प्लस क्यू स्क्वेयर, ये आपका आंसर। ये कैसे हुआ, ये एक फार्मूला है ए प्लस बी ए स्क्वेयर माइनस ए बी प्लस बी स्क्वेयर, और ये आपका फोर्थ प्रोपोर्शनल है। मैं वैसे चेक कर लेता हूँ कि कहीं कोई मिस्टेक तो नहीं हुई, ठीक हो गया, इसको मैंने ऐसे लिखा, सही है एक्स, कोई मिस्टेक नहीं है। ठीक है बच्चों, ये आपका आंसर। और नेक्स्ट देखें, अब आपने इस पर भी याद रखें ये दो फैक्टर हैं, दरमियान में कॉमा यहाँ पर है, तो एक टर्म ये है, ये एक टर्म है और ये एक टर्म है, तो इस पर आपने क्या अप्लाई करना है, इस पे आपने लिखना है लेट द फोर्थ टर्म इज इक्वल टू एक्स, फोर्थ प्रोपोर्शनल एक्चुअली इज इक्वल टू एक्स, वो आपने एक्स लिख लिया। अब प्रोडक्ट ऑफ एक्सट्रीम इज इक्वल टू प्रोडक्ट ऑफ मीन, पहले वो लिखें पी स्क्वेयर माइनस क्यू स्क्वेयर, ब्रैकेट में लिखा पी स्क्वेयर प्लस पी क्यू प्लस क्यू स्क्वेयर रेशो। अच्छा बच्चे पूछेंगे कि सर आपने रेशो पहले तो एक टर्म के बाद लिखते थे, भाई ये एक टर्म है, कॉमा सेपरेट करता है किसी भी टर्म को, तो फर्स्ट टर्म रेशो, सेकंड टर्म प्रोपोर्शन, थर्ड और फिर जो फोर्थ आपने फाइंड आउट करना है। तो पी क्यू प्लस क्यू क्यू और प्रोपोर्शन पी क्यूब माइनस क्यू क्यूब रेशो एक्स। अच्छा प्रोडक्ट ऑफ एक्सट्रीम इज इक्वल टू प्रोडक्ट ऑफ मीन, प्रोडक्ट ऑफ मीन एक्सट्रीम में एक्स है तो हम फाइंड आउट करेंगे, हम लिखेंगे एक्स इनटू, ये पहले ये लिख लें पी स्क्वेयर माइनस क्यू स्क्वेयर पी स्क्वेयर प्लस पी क्यू प्लस क्यू स्क्वेयर इंटू एक्स इज इक्वल टू पी क्यू प्लस क्यू क्यू पी क्यू माइनस क्यू क्यू। अब जहां जहां फार्मूला अप्लाई होता है करें जी, मैंने ये एक्स लिखा सिंपल इज इक्वल टू, ये वाला एक्स इज इक्वल टू डाल दिया इस पर, अभी ये दोनों उधर जाकर डिवाइड करूंगा, ये दोनों इन दोनों पर फार्मूला अप्लाई होगा ए क्यूब प्लस बी क्यूब और ए क्यूब माइनस बी क्यूब वाला, इस पर जब अप्लाई होगा तो ये बनेगा पी प्लस क्यूब पी स्क्वेयर माइनस पी क्यूब प्लस क्यू स्क्वेयर। दोबारा से मैं आपको कुछ बताने लगा हूं, दरमियान में प्लस हो तो यहां प्लस ही आता है यहां माइनस, दरमियान में माइनस हो तो पहले माइनस और फिर अगले सारे प्लस, तो ये आएगा पी माइनस क्यूब और साथ आपके आएगा पी स्क्वेयर प्लस पी क्यू प्लस क्यू स्क्वेयर डिवाइडेड बाय। अच्छा ये पी स्क्वेयर माइनस क्यू स्क्वेयर जब उधर जाएगा तो एक तो डिवाइड होगा, दूसरा इस पर हम फार्मूला भी अप्लाई कर सकते हैं पी माइनस क्यू पी प्लस क्यू, लिखें जी पी माइनस क्यू और पी प्लस क्यू और साथ यही मैंने एज इट इज लिख दिया पी स्क्वेयर प्लस पी क्यू प्लस क्यू स्क्वेयर। देखें जी जो कैंसिल होते हैं करें जरा, पी माइनस क्यू कैंसिल विद पी माइनस क्यू, पी प्लस क्यू कैंसिल विद पी प्लस क्यू और पी स्क्वेयर प्लस पी क्यू प्लस क्यू स्क्वेयर ये इससे कैंसिल, तो जो बच गया दैट इज एक्स इज इक्वल टू पी स्क्वेयर माइनस पी क्यू प्लस क्यू स्क्वेयर, ये आपका आंसर है और ये वाला लेक्चर आपका कंप्लीट हुआ। वैसे इसको मैं ज़रा एक दफ़ा चेक कर लूँ फिर बताता हूँ आपको। जी बच्चों ये वाला जो क्वेश्चन है ये अपनी स्टेटमेंट के लिहाज से ठीक है, मैंने चेक किया तो मैंने एक्चुअली स्टेटमेंट शुरू में गलत लिखी थी, तो अगर ये एक्चुअली है पी स्क्वेयर प्लस क्यू स्क्वेयर है, प्लस हो तो फिर किस तरह से सॉल्व करेंगे, जाहिर है फिर यहाँ पर प्लस आएगा। अब पी क्यूब प्लस क्यू क्यूब किसके इक्वल है, ये प्लस है
पी क्यूब प्लस क्यू क्यूब, ये प्लस और फिर ये माइनस, ठीक है, फार्मूला चेंज हो एक्चुअली। अब ये प्लस है तो उधर ऑब्वियसली फिर प्लस आएगा, ये प्लस और ये वाला क्या आएगा माइनस, मतलब ये ही उधर जाकर डिवाइड हो गया। अब पी प्लस क्यू, पी प्लस क्यू से कैंसिल होगा, ये सूरत में कैंसिल होगा, सूरत में आंसर आएगा पी माइनस क्यू। अगर हमारे पास इसके अकॉर्डिंग हम करें ये जो है, तो इसके अकॉर्डिंग आंसर आएगा एक्स इज इक्वल टू ये पी माइनस क्यू और साथ आएगा पी प्लस क्यू, साथ आएगा पी स्क्वेयर माइनस पी क्यू प्लस क्यू स्क्वेयर डिवाइडेड बाय, ये वाले डिवाइड होंगे तो पी प्लस क्यू, और साथ आएगा पी स्क्वेयर माइनस पी क्यू प्लस क्यू स्क्वेयर। तो ये वाला जो है, ये मुझे आइडिया हुआ कि शायद मैंने कहीं गड़बड़ की है, तो ऊपर टर्म वो जो मैंने जो स्टेटमेंट लिखी थी वो रॉन्ग थी, ये इससे कैंसिल हो जाएगा, ये पी प्लस क्यू से कैंसिल होगा, एक्स इज इक्वल टू पी माइनस क्यू। अपनी स्टेटमेंट के लिहाज से जो हमने पहले आंसर किया था वो बिल्कुल ठीक था। इसी के साथ ये वाला लेक्चर हुआ कंप्लीट। अल्लाह आपका हामी नासिर हो। अल्लाह हाफिज़।